क्या कहीं ना कहीं मनारा चोपड़ा ने कन्फेशन रूम में जाके अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है कि वो मुनावर फारूखी को प्यार करती है? ऐसी बातें होने लग गई है सोशल मीडिया पर। भाई गॉसिप तो मैं करती हूँ, पर आजकल कुछ लोग जो है मेरे से भी ज़्यादा गॉसिप करने लग गए हैं। चाहे करते रहो, मैं तो गॉसिप के ऊपर भी गॉसिप कर लूँगी, क्योंकि गॉसिप करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और रही बात मनारा की, मनारा काफ़ी ज़्यादा उदास थी। मनारा को देख के, रोते हुए देख के लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हुए, काफ़ी ज़्यादा उनका मूड बिगड़ा भी। और जो प्रोमो आया है उससे कहीं ना कहीं राहत भी मिली है लोगों को कि चलो ठीक है, मनारा का स्टैंड लिया है, मुद्दा उठाया है, ये सब चीज़ें मुनावर फारूखी ने की है, ऐसी बातें भी हो रही है। और रही बात मनारा की, मनारा को जो है बिग बॉस ने पूछ लिया कि आयशा के आने से क्या कुछ फ़र्क पड़ा है, तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं पड़ा, इवन मैं तो खुश हूँ कि मुनावर को एटलीस्ट कोई मिल गया है जो कि उसके जैसी बातें कर सकता है, मैं तो वैसी बात भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर पूछते हैं फिर 2-3 दिन से क्या हो रहा है, फिर वो बोलती है कि हाँ मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ और मैं मानती हूँ मैं इमोशनल फूल हूँ, मैं मानती हूँ मैं अपने मुनावर जो है मेरे मेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा जो है मुझे पहचानता है, जानता है, समझता है। वहाँ पर अब सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्स बॉयफ्रेंड बोलना चाहती थी मनारा चोपड़ा, एक्स बेस्ट फ्रेंड कौन बोलता है, कभी भी एक्स बेस्ट फ्रेंड होता ही नहीं है, फ्रेंड होता है। और मेरा जो फ्रेंड था पहले, इस तरीके से बात होती है, एक्स शब्द को यूज़ नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं मनारा जो है वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का नाम जोड़ना चाहती थी, और उसको आयशा के आने पे फ़र्क पड़ता है, आयशा को भी दिखता है कि हाँ मनारा की आँखों में प्यार है, और काफ़ी सारे लोगों को दिखता है कि मुनावर के लिए उसकी आँखों में प्यार है, ऐसी लोग बात कर रहे हैं। पर यार मेरा पता नहीं, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, सच बोलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे नहीं आ रही फीलिंग। मेरा कहना ये है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मनारा जो है वो मुनावर से प्यार करती है। मनारा बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, वो पॉजेसिव ऐसे अपने दोस्तों के लिए पॉजेसिव है, और मुनावर को वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। मुनावर को वो बहुत रिस्पेक्ट करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें उसकी समझती है। जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो ना, तब आप उसकी चीज़ सुनते हो। आपको जैसे कि मैं, हम अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे कुछ भी हो जाए, कितनी भी सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाए, मेरा मन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो मैं सिर्फ जब मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी से मैं बात करती हूँ ना, मैं रिलैक्स हो जाती, बिकॉज मैं उनको प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। एक अलग तरीके का प्यार है, यहाँ पर दोस्ती का प्यार है, और वो रिस्पेक्ट करती है इसीलिए वो समझती है। पर मुझे प्यार वाला सीन नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप बताइए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई है वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।